नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर और मैं हूं मनीष शर्मा। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा कि इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की गई है। हमारा मकसद किसी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना कतई नहीं है और न ही हम इसका समर्थन करते हैं। हमारा मकसद केवल इस मंदिर के इतिहास की जानकारी एवं मंदिर की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना है। अगर इसमें कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। यह वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है और इसको जानकारी की दृष्टि से ही लें, अन्यथा न लें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आपको जिस मंदिर की जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं वो मंदिर इतिहास की दृष्टि से अथाह परिपूर्ण है। इस मंदिर पर श्रद्धालु की अटूट आस्था है। इस मंदिर को माँ दूधाखेड़ी माताजी के मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद ऐसे ही छोटे छोटे स्थान की विशेषताओं को आप तक पहुँचाना है। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं दूधाखेड़ी माताजी की जानकारी और इस मंदिर का इतिहास। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पूर्वी भाग में जिला मुख्यालय मंदसौर से 120 किलोमीटर दूर तथा तहसील मुख्यालय भानपुरा से 10 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान भानपुरा गरोट रोड पर स्थित है। यहाँ पर श्री केशर माताजी का भव्य मंदिर है, जिसमें माता अपने पंचमुखी रूप में विराजित है। इस स्थान को दूधाखेड़ी माताजी के नाम से पहचाना जाता है। दूधाखेड़ी माताजी की ये प्रतिमा एक कुंड रूपी मंदिर में विराजित है, जिसके चार मुख्य द्वार हैं। इस स्थान पर स्थित चमत्कारी बावड़ी के जल का श्रद्धालु गहन आस्था के साथ सेवन करते हैं। श्रद्धालु का मानना है कि इस चमत्कारी जल से स्नान करने पर कई असाध्य बीमारियों का इलाज संभव है। दूधाखेड़ी माता के दरबार में कई शारीरिक बीमारियां, शारीरिक विकलांगता, लकवा एवं मानसिक बीमारियां, मानसिक रूप से पीड़ित लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर ही लौटते हैं। इस स्थान पर जब से ये मंदिर बना तब से माँ दूधाखेड़ी की प्रतिमा के सम्मुख एक अति प्राचीन अखंड ज्योति प्रज्वलित है। श्रद्धालुगण इस अखंड ज्योति का दर्शन लाभ मंदिर के गर्भगृह में लेते हैं। प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या आरती व दूधाखेड़ी माताजी के श्रृंगार का समय श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों, ये जानकारी तो मंदिर परिसर की थी। अब हम जानते हैं दूधाखेड़ी माताजी के इतिहास की जानकारी। इतिहास के पन्नों को जब हमने पलटा तो हमने पाया कि लोक मान्यताओं के अनुसार पौराणिक नरेश मोरध्वज की आराध्य देवी दूधाखेड़ी माताजी को माना जाता है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से 13वीं सदी से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का प्रमाण मिलता है। होलकर रानी अहिल्याबाई भी दूधाखेड़ी माताजी के दर्शन करने अपने विश्वास पात्र अंग रक्षिका सुंदरी के साथ आई थी। उसी समय सुंदरी ने यहाँ एक धर्मशाला का निर्माण करवाया था तथा अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने दूधाखेड़ी माताजी की मूर्ति पर चार खंभे लगवाकर छाया करवाई थी। ये छाया आज भी उनकी याद दिलाती है। इसके बाद के इतिहास पर रोशनी डालें तो हम पाते हैं कि यशवंतराव होलकर भी यहाँ आया करते थे। यशवंतराव होलकर के द्वारा बनाई गई धूनी के करीब धर्मशाला इस बात की गवाह है। धूनी वाली धर्मशाला झालावाड के दरबार ने बनवाई थी, वह भी देवी के बड़े भक्त थे। सीतामाओं के राजा ने अपने राज्य में मंदिर के पुजारी हेतु खेत की भूमि जागीर के रूप में प्रदान की थी। महाराजा यशवंतराव होलकर के बारे में तो कहा जाता है कि वो जब भी युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे तो पहले अपने घोड़े से माता दूधाखेड़ी के दरबार में आकर आशीर्वाद लेते थे। आज भी मंदिर परिसर में यशवंतराव होलकर की तलवार देखी जा सकती है।
झालावाड़ के पूर्व महाराजा जालिम सिंह भी यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे। वे भी माता दूधाखेड़ी के बड़े भक्त थे। दरवाजा के पास बनी धर्मशाला का निर्माण शिवाजी राव होलकर ने एवं दूसरी धर्मशाला का निर्माण तुकोजी राव होलकर ने करवाया था। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस स्थान को दूधाखेड़ी माताजी के नाम से क्यों पुकारा जाता है। रावत मीणा भाट की पोथी के अनुसार प्राचीन समय में दूधाजी रावत जो कि मोड़ी में बसते थे, माताजी के बड़े भक्त थे। माताजी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया कि आगे आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है, इसलिए मैं अपना स्थान यहाँ से बदलना चाहती हूँ। उस समय जहाँ आज माता का मंदिर है, भयंकर वन था। उस वन में एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, तभी उसे एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी कि हरे वनों को काटना महापाप है, एक वन काटना 35 लाख मनुष्यों को मारने के बराबर है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने वन को काटना बंद कर दिया। उसी समय पश्चिम की ओर से एक वृद्धा आती दिखाई दी। आदमी ने हाथ जोड़कर कहा कि माताजी, आज के बाद मैं वन नहीं काटूंगा। इतना कहने पर लाल चुनर वाली माताजी वहां से गायब हो गई। आदमी अचंभित हो गया। वन में उस स्थान पर दूध धारा बहने लगी। उसके बाद कई लोग इधर उधर के गाँव से वन में बह रही दूधधारा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। यह समाचार जब मोड़ी वाले दूधाजी को प्राप्त हुआ तो वह भी वन में आए। उसी स्थान पर दूधाखेड़ी माताजी की मूर्ति की स्थापना की गई। इसी कारण है कि लोग देवी को दूधाखेड़ी माताजी के नाम से पुकारा जाता है। पहले के समय में यहाँ पशु बलि की प्रथा प्रचलन में थी, जो कि 40 वर्ष पूर्व आकाश की बिजली गिरने से हुए चमत्कार के बाद पूर्णतः बंद हो गई। इस घटना के बाद कई गुना श्रद्धालु की संख्या में वृद्धि हुई। दोनों नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु धर्म का लाभ लेते हैं। तो दोस्तों, यह था दूधाखेड़ी माताजी का इतिहास और जानकारी। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में निरंतर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी और उनके इतिहास से हम परिचय कराते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूधाखेड़ी माताजी की जय।